हरदा एमपी में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता सुरेंद्र जैन द्वारा भाजपा प्रत्याशी को अमर्यादित भाषा प्रयोग करने को लेकर भाजयुमो द्वारा सिटी कोतवाली थाने में शिकायत की। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस नेता सुरेंद्र जैन की शिकायत सिटी कोतवाली में की, जहां आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। भाजपा व भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा विधानसभा क्षेत्र खिड़किया के छिपाबड़ चौराहे पर कांग्रेस द्वारा एक सभा का आयोजन रखा गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा छिपाबड़ौद में चुनाव सभा का आयोजन रखा गया। यहाँ पर अभी थाने में शिकायत करेगी और भारत के निर्वाचन आयोग को भी उसकी शिकायत करेगी। वो जिस प्रकार से खुलेआम सभाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कमल पटेल जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें गुंडे जैसे शब्दों का, बाहुबली जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और पूरे चुनाव में जिस प्रकार से वो कमल पटेल को एक भयभीत इंसान बताते हुए जनता के बीच में भय का माहौल खुद पैदा कर रहे हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।